तो हेलो गाइज, आज है हमारे पास ये मोबाइल होल्डर बाइक के लिए और स्कूटर के लिए, साइकिल में भी आप लगा सकते हो। तो इस तरीके का कुछ पैक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। चलो इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो इसको मैंने खोल दिया, तो अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एक यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल को हम साइड कर देते हैं, फिर अंदर से एक लिफाफा निकला और अंदर कुछ भी नहीं है। इसको रखते हैं साइड में, लिफाफे को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये है हमारा मोबाइल होल्डर मेन, और ये है कुछ पैचेस, इसका यूज़ मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक ये है रबड़, उसका भी मैं बताता हूँ अभी क्या यूज़ है। और इसमें मिले हैं हमें एक एलन की, और ये एक्स्ट्रा है, ये चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ एक। और यहाँ पर 2 वोल्ट हैं, 1 वोल्ट एरा, 2 वोल्ट हमें एक्स्ट्रा मिले हैं जो कि एल की वाले हैं, और ये हमें एक्स्ट्रा मिला है ताकि जब जब भी हमारा ये ख़राब हो तो हम रिप्लेस कर सकें। बाकी इन दोनों का कोई अभी काम नहीं है, इसको रख देते हैं साइड में। अब मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये है आपको खोलने के लिए एलन की, ताकि आप इसे खोल के इसको ऐसे खोलना है और ऐसे बाइक में आपके लग जाएगा। जैसे ये आपका हैंडल है, ये आपका हैंडल है, तो इसमें ऐसे करके ये ऐसे करके टाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका क्या यूज़ है, ये रबर पैड का। तो आप इसको ना ऐसे बाइक पे लपेट देना, हैंडल पे या फिर साइकिल पे आप लगाओगे, जहाँ पर भी आप लगाओगे उसके ऊपर आप ये लगाओगे। अब इससे होगा क्या, इससे पता है आपके हैंडल पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, हिलेगा नहीं, नट हिला होगा क्योंकि ये रबड़ है, काफ़ी उसको ग्रिप मिल जाएगी अच्छी सी। तो इसको मैं वापस से लगा देता हूँ। अब मैं पैचेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि पैचेस क्या थे। इसको मैं टाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। बाइक में लगाना बहुत ही आसान है, इसका चार्जर भी अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले ये पैचेस दिखा देता हूँ, एलन के मैंने साइड में रख दिया। ये है पैचेस, इस पर ध्यान से देखोगे तो कुछ स्ट्रिप बनी हुई है, देख रहे हो यहाँ पर निशान है, देखो ये ऐसे करके ऐसे उतर जाएंगे, देखो स्टीकर वाले हैं ऐसे करके। यहाँ पर जो यहाँ पर है ना, 2 छोटे ये देखो बॉक्स से स्क्वायर टाइप के हैं, वो आपके यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, और जो एक लंबे वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं वहाँ पर अपना उंगल रख दिया, यहाँ से इतना तक है, और ऐसे रेक्टेंगुलर है, ऐसी इसकी विड्थ है, देख सकते हो थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। उसको लगाना है एक निकाल के आपको यहाँ पर, और एक लगा के एक निकाल के आपको यहाँ लगा देना, और 2 स्क्वायर वाले ये रहे, ठीक है। इसको क्यों लगाना है, ताकि आपका मोबाइल जब भी आपके यहाँ पर ऐसे मोबाइल रखोगे ना, तो मोबाइल पे ये जो ये मेटल का है तो आपको स्क्रैच नहीं पड़ेगा। ये फुली अलॉय है जिससे काफ़ी मजबूत है, प्लास्टिक नहीं है जो आपका ख़राब हो जाए। और ये है वर्टिकल पोजीशन में, आप ऐसे जब बाइक में लगाओगे तो ये वर्टिकल में आपका मोबाइल रहेगा। अब अगर आपको मोबाइल को घुमाना है, मतलब वीडियो वगैरह देखनी है, तो आपको इसको ऐसे खींचना है, ऐसे ऊपर की तरफ पुल करोगे और ऐसे करके ऐसे छोड़ दोगे, देखो ये बन गया, वैसे आपका मोबाइल रहेगा, आप वीडियो वगैरह देख सकते हो। फिर इसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए आपको खींचना है और ऐसे कर देना, ठीक है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको इसका चार्जर, यहाँ देख सकते हो USB पोर्ट है, जो जिसमें आप अपने चार्जर का कोई भी जो पीछे USB होती है वो आप लगा सकते हो, और यहाँ से जो आपका मोबाइल वाला पिन रहेगा आप उसको मोबाइल में रख कर सकते हो, जिससे मोबाइल चार्ज हो जाएगा। अभी नहीं होगा क्योंकि इसकी देख सकते हो नीचे पीछे से वायर गई हुई है, ये वायर में यहाँ पर ऐसी है, ये आगे एक पिन लगा हुआ है देख सकते हो, ये पिन को आपको बैटरी में लगाना है, किसी भी बैटरी में लगा सकते हो। चाहे तो आप एक एक्सटर्नल बैटरी खरीद के अपने बाइक पे कहीं पर माउंट करवा सकते हो और उसमें यहाँ से जॉइंट कर सकते हो, आप उस बैटरी को चार्ज करोगे, फिर पूरा दिन आप मोबाइल को चार्ज करोगे, फिर मतलब जब भी उसकी बैटरी ख़त्म होगी चार्ज बैटरी की, तो आप उसके में फिर से उसको चार्ज कर दोगे। नहीं तो आपको जो बाइक का बैटरी होता है उसी में कोई पिन लगा के आप ये चीज़ ये वाली पिन उसमें लगा सकते हो, ये आपका काम कर जाएगा। अगर ये आपका पिन कहीं पर नहीं लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, वायर को कट कर सकते हो, ये जो 2 वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कट करके आप सोल्ड करवा सकते हो किसी वायर में। अब मैं दिखा देता हूँ मोबाइल कैसे काम करेगा,
आपका जब भी इसका नहीं इस्तेमाल होगा यूएसबी कोड का, जब आप चार्जिंग कर रहे हो तो इसको ऐसे बंद कर दो ताकि अंदर कोई भी डस्ट या फिर पानी वगैरह ना जा सके और ये काफ़ी सेफ़ रहे, ठीक है। और जब आपको यूज़ हो तो आप ऐसे खोल सकते हो। खुल जा भाई, काफ़ी टाइटली इसको पकड़ लेता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है ताकि डस्ट वगैरह बिल्कुल भी ना जाए। खुल गया, ऐसे निकल जाएगा। और अब मैं दिखा देता हूँ ये मोबाइल कैसे फिक्स होगा। ऐसे एंटी क्लॉक वाइज इसको रोटेट करोगे, ऐसे घुमाओगे तो ये ढीला होगा। देख रहे हो ये खुर रहा है, अब ध्यान से देखना, ये देखो। अभी मेरे को फ़िलहाल दूसरा मोबाइल नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। जितना भी चौड़ा आपका मोबाइल है उतना आप खोल सकते हो, काफ़ी चौड़ाई वाला फ़ोन इसमें आ जाएगा और जितना मर्ज़ी आपका बड़ा फ़ोन है इसमें आ ही जाएगा। मेरे पास 7 इंच का मोबाइल है जिससे वीडियो शूट हो रही है, 7 इंच का प्रॉपर, मैं उसको भी इसमें फ़िक्स करके देखा था तो फिक्स हो गया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लो ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ पर फिक्स करना है और इसको टाइट कर देना है क्लॉक वाइज में, देख रहे हो टाइट हो रहा है। जितना भी चौड़ा आपका मोबाइल हो, टैबलेट तो नहीं लगाना, लेकिन जितना भी चौड़ा मोबाइल हो आपका यहाँ लग जाएगा और जितना भी लंबा मोबाइल हो आपका लग जाएगा, जितना मर्ज़ी बड़ा हो। मेरे पास 7 इंच का है, 7 इंच से बड़ा मेरे ख्याल से मोबाइल नहीं आते, उसके ऊपर टैब आते हैं, 7 इंच का मोबाइल इज़ मैक्सिमम, तो वो मेरा इसमें आ गया था। और चौड़ा भी बहुत है मेरा मोबाइल, वो भी आ गया था। चौड़ाई तो मैंने आपको दिखाई थी, बहुत चौड़ा है, कोई भी फ़ोन लग जाएगा इजी। आप ऐसे टाइट कर सकते हो और यहाँ पर आपका मोबाइल ऐसे हो जाएगा और आप इसको ऑपरेट कर सकते हो मोबाइल को, चलते बाइक चलाते हुए या फिर बाइक रोक के आप नेविगेट कर सकते हो, मतलब उसमें कोई गूगल मैप वगैरह आप ट्रैकिंग लगा सकते हो और देखते हुए कहीं भी जा सकते हो, काफ़ी इजी हो जाता है। या फिर आप मूवी भी एंजॉय कर सकते हो, अगर खाली रोड है तो ही करना, ऐसा नहीं कि भाई हाईवे पे चले जाना और मोबाइल पे वीडियो लगा के पड़े रहना, तो काफ़ी एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से रखना। बाकी जब इस्तेमाल हो तभी करना। वैसे मैक्सिमम इसका यूज़ नेविगेट करने के लिए ही होता है, कहीं पर आप जा रहे हो तो मैप इसमें खोल सकते हो और देख सकते हो, और मोबाइल चार्ज करने के लिए आप रख सकते हो इसको। काफ़ी अच्छा मोबाइल होल्डर है, काफ़ी हैवी है, मेटल का है पूरा, तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ना टूटेगा ना कुछ, बहुत ही अच्छा मोबाइल होल्डर लगा मुझे। इसको लगाना कैसे वो मैंने बताई दिया, यहाँ पर आप हैंडल में वो रबड़ स्ट्रिप लगा के ऐसे करके इसको ऐसे टाइट कर देना, ऐसे करके लग जाएगा, ऐसे हैंडल में घुसा के इसको ऐसे कर देना, पहले इसको खोल लेना फिर हैंडल पे ऐसे लगा के ऐसे टाइट कर देना, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।